hello students one of the hottest topic of discussion nowadays is that whether neat exam will be postponed or not are you one of them who is continuously discussing about these things with your friends or you are wasting a lot of time in searching why is it so is it about preponement no no it is about postponement which may happen or may not happen सो इफ यू नाउ स्टार्ट थिंकिंग यू रिलैक्स योर सेल्फ कि हाँ ये पोस्टपोन हो सकता है तो वॉट एवर रूटीन यू आर फॉलोइंग सडनली देर विल बी रिलैक्सेशन एंड इफ देर इज नो पोस्टपोनमेंट तब आप कहाँ जाओगे सो सिंपली डोंट थिंक अबाउट इट फॉर अ सिंगल सेकेंड गो ऑन प्रिपेरिंग गो ऑन विथ योर वॉट एवर स्टडी रूटीन यू आर फॉलोइंग फॉलो दैट I understand that it is actually not about the postponement. It is some extra time which you want. lekin kuch extra Ye I will discuss about that. There is one video in my channel about how you can get nine months preparation time in three months. It is about getting in one hour getting three hours preparation time. बट इट इज नॉट फॉर यू नॉट फॉर नाउ वो उस समय के लिए था बच्चों जिस समय आप तैयारी कर रहे थे आपको टाइम ही चाहिए ना डोंट गो फॉर दैट वीडियो बिकॉज नाउ इट इज नॉट फॉर यू वो उसको फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है आई विल गिव यू अ कस्टमाइज वन जो आपके अभी के समय के लिए अप्रोप्रिएट है आइंसटाइन की रिलेटिविटी थ्योरी यहाँ भी काम कर जाती है जल्दी समय भाग रहा है उस समय को आपने काबू में कर लिया वेन यू आर वरीड एक्चुअली वेन यू आर वरीड कि हाँ इतना समय है मुझे इतना पढ़ना है इतना पढ़ना था इतना टाइम हो गया मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हुई जब इन सब बातों में सोच उलझे रहते हो तो कुछ एक दिमाग में लोचा ज़रूर बन जाता है आप समय के हाथ में समय की कुंजी दे दीजिए क्या करें आप, आप अपना मोबाइल ले लें उसमें आप अलार्म लगाइए जितना समय दिस विल इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का वैरी करेगा कि मैं अभी दो घंटा पढ़ने वाला हूँ एक सीटिंग में तीन घंटा पढ़ने वाला हूँ एक सीटिंग में रिमेंबर दैट उस सीटिंग में आप जितनी देर पढ़ रहना पढ़ना चाहते हो उतने का आपने अलार्म लगा दिया दो घंटे बाद का तीन घंटे बाद का कीप दैट मोबाइल आउट ऑफ योर रीच टेक केयर कि आपके रिस्ट में आपके वॉल में कहीं भी कोई घड़ी नहीं है देन यू सिट एंड यू स्टडी समय से आपने कह दिया कि आप हमें बता देंगे कि मेरा तीन घंटे की जो पढ़ाई थी तीन घंटे का टाइम हुआ कि नहीं आप समय के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो बिलीव मी समय रुक जाएगा उसी समय में आप बहुत 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 पढ़ाई कर लोगे यही आपको चाहिए था यही आपका हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर चले जाओगे एग्जाम बच्चा एग्जाम जो है एग्जाम इज़ योर ओनली फ्रेंड एग्जाम इज योर बेस्ट फ्रेंड नॉट ओनली फ्रेंड एग्जाम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड कैसे बेस्ट फ्रेंड एग्जाम है तो अपॉर्चुनिटीज है एग्जाम है तो आपने जो हार्डवर्क किया जो आपने मेहनत की उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना आपको दिखाने का मौका मिलता है सिर्फ मौका ही नहीं मिलता अकॉर्डिंगली यू आर रिवार्डेड ऑल्सो जब तक आप स्टूडेंट हो दिस इज़ योर ब्राइटेस्ट इस समय आप यू आर यू फील योर सिर्फ ओवरबर्डन आपको बहुत मुश्किल लगता है बट बिलीव मी दिस इज़ योअर मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ इसका पूरा उपयोग करें एग्जाम से ना डरे एग्जाम को एज ए फ्रेंड ले जो आपको आपके किए हुए मेहनत का पूरा फल देने वाला है विश यू ऑल द बेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन फ्यूचर विल बी फ्यूचर इज डेफिनेटली ब्राइट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो